और ऊपर देखो बादल लगे हुए हैं, मजा आ रहा है। मतलब आज दिल्ली का मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, घूमने और खाने वाला मौसम। और जैसे मैं ये सब कर ही रही थी कि इतने में हमारे घर में मेहमान आ गए बहुत दूर से। तो ये है मेरी परीक्षा की घड़ी, मेरी खुद की बनाई हुई इडली का बैटर। सबने खाना शुरू भी कर दिया। कैसी बनी है इडली सांभर? बहुत बढ़िया, अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। दोस्तों बोलो, बहुत टेस्टी है। जय माता की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और आज की सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने घर के पास वाले पार्क से। और आज ना दिल्ली का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। क्यों रियो? मतलब इतना अच्छा कि देखो बारिश गिरी है, बारिश हो रही है कल से थोड़ी थोड़ी, और ठंडा भी हो गया है और पार्क पूरा खाली खाली है। तो मैंने कहा आज ठंड का मौसम है, कुछ अच्छा बनाया जाए। तो मैं थोड़ा इडली सांभर का सामान लेने गई थी दुकान, तो रियो ने कहा मम्मी एक चक्कर पार्क चलते हैं, तो मैं इसको पार्क भी ले आई हूँ। और वो देखो अपने चिप्स पकड़ के पार्क में घूम रहा है। अब यहाँ गंदे गंदे पैर करके जाएगा ना, लाइए मुझे पकड़ा दे इसने। मतलब मैंने इमली और थोड़ा सा मसाले वगैरह लिए हैं, तो इसने भी चिप्स पे हाथ मार लिया। और देखो आज कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ खाली खाली, वरना यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये देखो तो मज़ा आ रहा है आज पार्क में घूमने में। तो रियो के चक्कर में मुझे पार्क में आना पड़ा। और ये है पार्क की एक्सरसाइज मशीन्स, जो कि आधी टूट चुकी हैं आधी जिंदा हैं। और बच्चे यहाँ इनको ना झूले की तरह यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज तो कुछ होती नहीं। और ऊपर देखो बादल लगे हुए हैं, मज़ा आ रहा है। मतलब आज दिल्ली का मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, घूमने और खाने वाला मौसम। बट क्या करें, सोमी नाइट शिफ्ट करके आए हैं और सोए पड़े हैं घर में, तो हमने कहा चलो हम ही बाहर घूम के आते हैं। अब कहाँ जाना है, चल उधर से गोल चक्कर मार के फिर वापस घर चलेंगे, ठीक है? ये रहा हमारे घर के पास वाला शिवालय, जहाँ की मैं हर सोमवार को आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। तो चलो आगे चलते हैं, आ जा रही हूँ। देखो गायें भी यहाँ मौसम का मज़ा ले रही है, आराम से बैठी हुई है। अरे ये दूर चल मारेगी, वो डरता नहीं है बिल्कुल भी। और आज सही में पार्क बिल्कुल खाली पड़ा है। स्टेडियो और मैं वो उधर से घूम के और वापस घर को चले जाएंगे उधर से होते हुए। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, आप ये नीचे पार्क में नीचे को देख सकते होंगे, ये जो कुआँ सा बना है। एक्चुअली ये कुआँ इसलिए बनाए हैं, ये जो छठ पूजा होती है ना और लोग कुआँ पूजन के लिए जाते हैं, तो यहाँ आसपास तो कहाँ जाएंगे, तो वो यहीं होती है। जो छठ पूजा वाले हैं कुआं पूजन के लिए इधर ही आते हैं। चले रही हो, बारिश तेज़ हो गई है, अब चलो। तो बारिश बहुत तेज़ पड़ने लगी है, अब हमें तेज़ तेज़ चलना पड़ेगा। चलो रही हो, भागो, बारिश तेज आ गई। आराम से सीधे सीधे बाथरूम में घुस जा। हम कहाँ गए थे माइली, हम कहाँ गए थे? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये रियो के लिए है। तो चलो जी, आज मैं कर रही हूँ इडली बनाने की तैयारी। इडली मेनली ना, वैसे मैं रेडी टू कुक लाती हूँ MTR वाली, बट आज फर्स्ट टाइम है कि मैं खुद घर में उसका जो बैटर है वो तैयार करूँगी सूजी के साथ, क्योंकि मुझे सूजी की इडली बहुत पसंद है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, जितना सामान है उतने से, क्योंकि रियो को ना इडली बहुत पसंद है। और साथ में राइस भी बनाऊंगी, सांभर के साथ हम राइस खाएंगे सोमी और मैं, और थोड़ी थोड़ी इडली चख लेंगे। देखती हूँ कैसी बनती है, आप भी देखते रहो। ये तैयार है मेरा सामान, मैं बस डालूंगी इसमें सूजी, करी पत्ता और थोड़ा सा स्वाद के लिए अदरक और मिर्च। पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल, मैं डालूंगी थोड़ी सी राई, जी राई हमारी चटक गई है। अब डालेंगे हम करी पत्ता, और इसका स्वाद ना बहुत अच्छा लगता है। और इसी के ऊपर मैं डाल दूंगी अपना अदरक और कटी हुई हरी मिर्च। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें सूजी, और सूजी को थोड़ा सा भून लेंगे। तो जी ये तैयार है मेरा इडली का मसाला, और ये ठंडा हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिलाया है। और अब मैं डालूंगी इसमें दही, जो कि आजकल मैं अपने घर में ही बना रही हूँ, मतलब एकदम ऑर्गेनिक दही घर में जमी हुई। तो इसको पतला करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया है। और इसके आगे अब मैं करती हूँ सांभर बनाने की तैयारी, जो कि सभी लोगों को आता है। तो ये मैंने इमली भी भिगा दी है,
और आज इस इमली को देख के ना मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हम स्कूल में बहुत इमली खाते थे, एक एक दो दो रुपए की ना ऐसे मिलती थी, तो बहुत खाते थे। और वो भी कैसे, ऐसे नमक लगा के, आहा। और नमक लगा के इसका जो टेस्ट होता है ना, वो टाइम याद आ जाता है। और सच में ये ताज़ी ताज़ी इमली ना बहुत ही मस्त हो रही है नमक लगा के, मतलब वो स्कूल टाइम याद आ गया। अब यू के मुँह में भी पानी आ गया मुझे देख के। क्या है तूने खाई है कभी इमली में नमक लगा के? नहीं खाया? इसको ऐसे नमक लगा के मैंने तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? अभी खाना तब तक नहीं खाता जब तक मैं इसको चुरा नहीं लेती। ये देखो रियो, तू वाले इसका खाना खा ले, ये उसका खाना खा ले, माइलो का खाने लगा। मतलब रियो से तो ना ऐसे चिढ़ता है, सोचता है रियो मेरा खाना खा जाएगा। अब रहने रियो से खाने दे। तो दीदी यहाँ हो गई मेरी सांभर की तैयारी शुरू, और मैंने कुछ नहीं किया, दाल मेरी उबल गई है और उसमें मैंने सिर्फ प्याज और सब्जियाँ डाली अभी भूनने के लिए। और जैसे मैं ये सब कर ही रही थी कि इतने में हमारे घर में मेहमान आ गए, बहुत दूर से, बहुत दूर से, और वो रही मेहमान, हेलो, और वो सबसे छोटा मेहमान। और इन लोगों ने आज कमाल ही कर दिया, सरप्राइज दे दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये लोग आने वाले हैं। कैसे प्लान बन गया भाई तुम लोगों का आने का? मौसम अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था। और मैं आज सुबह वही दिखा रही थी अपने दोस्तों को, मौसम इतना अच्छा हो गया कहीं घूमने लायक। और मेरे घर में आ गए मेहमान और अब पी रहे हैं चाय, चाय का मज़ा ले रहे हैं। और सुमी अभी सोए हुए हैं, सुमी को भी उठाती हूँ, माइलो को मैंने बांध लिया है, भी उठ गए। सोमी मैं तो ना सांभर बना रही थी, अब लोग बढ़ गए, देख देख कितनों में पुकती है वो मतलब इसे कहते हैं खाने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हे दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो जी मैं अभी उठ गया हूँ, पहले इसको आवाज़ को बंद कर दो, ये बहुत आवाज़ कर रहा है हमारा, एक मिनट। तो जी गुड मॉर्निंग, मैं भी उठ गया हूँ और मैं जब मैं सोया था तो खुशबू आ रही थी ऐसे करके, तो पता चला कि इस खुशबू को सुन के तो मेहमान भी आ गए दूर से। हाँ पता चला कि ये सांभर बन रहा है, सामान के सांभर के साथ साथ दो तीन लोग हुए और आए। तो जी ये बन रहा है फिलहाल, और थोड़ी देर हम बैठते हैं, गप्पे वप्पे लगाते हैं, फिर खाएंगे इडली सांभर। हो गया तो जी तैयार है सांभर, बस इसमें उबाल आना है। इतना फैला पड़ा है ऊपर से, ये मास्टर शेफ और लग गए हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं अपने मेहमानों को खिला के। सैलेड खिलाएंगे आजकल, ये सैलेड पे जोर है। और मेरा सांभर यहाँ बन चुका है। और तो ये है मेरी परीक्षा की घड़ी, मेरी खुद की बनाई हुई इडली का बैटर, अब देखते हैं इसका क्या हल होता है और क्या नहीं। और अब ये जाएगा कुकर के अंदर, पानी उबल चुका है, क्या मैं इस परीक्षा में पास हो पाऊंगी। ये बन गई मेरी इडली और रुचि ने आधी चख भी ली। और रुचि का क्या कहना है, रुचि कैसी बनाई है मैंने? हाँ, बहुत अच्छी है। तूने क्या कहा, तूने जो कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो दे दे दोबारा, उससे भी अच्छी है, एमटीआर से भी अच्छी है। मतलब मैंने एमटीआर की इडली भी फेल कर दी है, ऐसी बनी है मेरी इडली। और ये मेरी सांभर भी तैयार है और खाने वाले भी तैयार है। मम्मी का बनाया हुआ सैलेड यहाँ हो गया है खत्म, दिखाई भी नहीं है। अरे वो खाने में इतना मगन हो गए सबने, ऐसे किया मतलब ऐसे झपटे हम कि क्या बताएं। और अब हम करेंगे खाने की तैयारी, क्यों अभी भूख नहीं लगी? अभी लगेगी, बच्चे लोग खा चुके हैं और ये देखो ये यहाँ मजे कर रहे हैं। सबने खाना शुरू भी कर दिया, कैसी बनी है इडली सांभर? बहुत बढ़िया, अच्छा बना, बहुत टेस्टी है, जोर से बोलो बहुत टेस्टी है। जय माता की है ना, अब से मैं घर में ही बनाऊंगी वो इडली का बैटर। पहले एमटीआर का लाती थी वो। खाना हो गया, ये आदमी का रह गया। सुमी कैसी हो रही थी इडली? नहीं अच्छी हो गई, पता नहीं चला था घर की है या बाहर की, बट जो भी था टेस्ट बहुत अच्छा। पास। अब मैं यहाँ से बर्तनों का ढेर हटाती हूँ क्योंकि ये भी मुझे करना है, अभी यहाँ भी फैला हुआ है ये भी साफ करना है। तो लगती है सफाई में, बाकी लोग करेंगे थोड़ी देर आराम, और बच्चों ने तो हल्ला मचा ही रखा है, तो व्लॉगिंग इतनी हो ही नहीं पा रही। आइसक्रीम कौन खाएगा? आइसक्रीम कौन खाएगा? कौन खाएगा आइसक्रीम? ये वाली आइसक्रीम कौन खाएगा? सबसे छोटा, छोटा सबसे छोटे को कम मिलेगा। बेटा एक है कोकोनट वाली और एक है मैंगो वाली। भैया आप मिक्स बना सकते हो? मिक्स बन जाएगी बिल्कुल, चल निकल। मेहमान जब आ जाते हैं तो इतना करना ही पड़ता है।
चलो आइसक्रीम बनाती हूँ इनके लिए। तो भैया सबको मिक्स करके देते हैं। चल जाओ आइसक्रीम लेके, बाकियों के लिए मैं ले जाती हूँ। प्लीज माइलो को बांध दो, तुम्हारी किचन में है। खाओ खाओ आइसक्रीम, ठंडी में ठंडी का मजा लो, आज मौसम भी सही हो रहा है। तो जी अब 6:30 हो गए हैं और मेहमान जी खुद ही समोसे, खुद ही समोसे ला रहे, खुद ही खा रहे समोसा चाय। अब सुबह ही तो अब समोसे चाय चल रहे हैं और आइसक्रीम खा के सारे हो गए थे बेहोश। और एक बच्चा तो अभी सोया है भाई, ये देखो एक बच्चा भी सो रहा है, बाकी सब सो गए थे। सास रही है वो छोड़ के रही है, तू भी सोए ना। और अब यहाँ पे चाय समोसा खाया जा रहा है। तो मातों में बज गए 9:30 और रुचि लोगों के जाने का टाइम हो गया। रुचि की तैयारी हो चुकी है जाने की, देखो गेट के बाहर खड़ी है और सोमी भी ऑफिस जा रहे हैं तो इनको नीचे तक छोड़ के आ रहे हैं। स्कूटी की सवारी तैयार, बाय 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 अव्यान। चलो अव्यान फिर कब आओगे? रवीश फिर कब आओगे? सरप्राइज है फिर से। तो जी चले गए रुचि रवीश अव्यान, देखो पहुंच के फोन करेंगे। आज हमारा खाना भी जल्दी से हो गया क्योंकि सोमी को भी नाइट शिफ्ट जाना था और इन लोगों के प्लान का भी कुछ पता नहीं चला था। कभी बोल रहे थे रुकेंगे, कभी बोलते जाएंगे, तो रुकते जाते चले गए क्योंकि कल सबका स्कूल है, उसका ऑफिस है, अव्यान का स्कूल है। और इस बीच ना ब्लॉगिंग भी नहीं हुई, आराम करके उसके बाद हम गप्पे मारने बैठ गए, फिर हम खाना खाने बैठ गए। और अब सोमी चलते हैं जल्दी में, बाय बाय। और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।